अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। गाइज, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, तो देखते रहें, मैं क्या करूँ। आई वॉज जस्ट किडिंग यार। अच्छा, तो बात कुछ ऐसे है कि आपको पता है, जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें अच्छे बच्चों की तरह, और इसका लिंक भी अपने क्लास फेलोज के अंदर शेयर करें। मुझे पता अभी आप लोगों को कोई मुसीबत नहीं पड़ी पढ़ने की, लेकिन याद रखें मई में आपके पेपर हैं। फिर ना कहिएगा मैंने तैयारी नहीं कराई, भाई मैं तैयारी करवा रहा हूँ। तो अब शुरू करते हैं जी। इससे पिछला जो हमारा लेक्चर था वो सिंपली क्रैकिंग के बारे में मैंने बताया था। क्रैकिंग की जस्ट मैंने डेफिनेशन बताई थी और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में हमने बात की थी। तो अब जो हम बात करने जा रहे हैं, बेसिकली हम जो क्रैकिंग है उसकी तीन टाइप्स के ऊपर बात करेंगे। क्रैकिंग की तीन टाइप्स हैं गाइस, ये तीनों अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। मतलब थर्मल क्रैकिंग की डेफिनेशन आ सकती है, सेकेंडली अगर हम बात करते हैं तो कैटालिटिक क्रैकिंग की बात आ सकती है। हाय सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, तो आ जाए ना वीडियो में आपने भी। अच्छा, तो गाइस आई वाज टॉकिंग विद वन ऑफ माय फ्रेंड्स मिस्टर मोहम्मद असलम जोया, वन ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ मी। तो चलें, खैर कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर। गाइस, जो थर्ड इसकी कैटेगरी में आपको बता रहा था, दैट वाज स्टीम क्रैकिंग। अब हम स्टीम क्रैकिंग, ओवरऑल क्रैकिंग की जो टाइप्स हैं उनके ऊपर बात करते हैं। तो गाइस, हसान भाई जाना, आप ले आए ज़रा इसकी तरफ, देखें इधर से मेरा रंग सफेद आएगा, यहाँ से करता हूँ, एडिटिंग भी आसान हो जाएगी। बस बस बस, ठीक है, मेरी तरीफें करने ना बैठ जाना। अच्छा यार, देखें थर्मल क्रैकिंग की बात करते हैं। थर्मल क्रैकिंग यार, इसमें ना ये बहुत सिंपल लेक्चर है। इसमें ना होता ये, मैंने पहले इसलिए लिखने हैं कि लिखने में टाइम वेस्ट ना हो, और वैसे भी ज़रा इनको खुद भी याद रखना, टीचर्स के लिए भी थोड़ा मसला होता है, हम चीज़ें समटाइम्स मिक्स कर जाते हैं। मैंने पहले बोर्ड पे लिख ली ताकि एक तो मैं मिक्स ना करूं, दूसरा हमारा टाइम सेव हो जाए, हम जल्दी ये लेक्चर कवर कर लें। अच्छा गाइज, अब हम बात कर रहे हैं इसकी जो वेरी फर्स्ट टाइप है, दैट इज थर्मल क्रैकिंग। द वर्ड थर्म मीन्स हीट। थर्मल क्रैकिंग क्रैकिंग की वो टाइप है जिसमें हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स में ब्रेक करते हैं बाय टेम्परेचर, बाय हीट प्रोवाइड करके। और इसमें वैसे तो लिखा हुआ है हाई टेम्परेचर, लेकिन ऑलमोस्ट 700 डिग्री के पर इसका टेम्परेचर होता है, तकरीबन 700 डिग्रीज। तो अब लेकिन ये बुक में नहीं लिखा हुआ, इस वजह से मैंने भी यहाँ पर मेंशन नहीं किया था। तो यहाँ पर देखें, नॉर्मल प्रेशर, इसके अंदर प्रेशर की कोई कंडीशन नहीं दी गई। ये आपको अगर MCQ में आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए नॉर्मल प्रेशर है, वैसे आपने नहीं लिखना, जो बुक में डेफिनेशन दी हुई है आप वही करेंगे। मैंने इस तरह पिन पॉइंट्स की फॉर्म में लिख दिया हुआ है, इस वजह से कि आप लोगों को अगर यहाँ से MCQs बन जाएँ तो आपको आइडिया हो। देन आगे इसकी प्रोडक्ट्स, देखिए आपने क्रैकिंग की कोई भी टाइप पढ़नी है, आपने उसकी प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करना है। इसकी प्रोडक्ट्स में से लाजमी तौर पे MCQ बनता है। इसकी जो मेजर प्रोडक्ट हैं वो है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब मैंने पहले भी बताया था, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके अंदर एटलीस्ट एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो। तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो लार्जर चेन के भी हो सकते हैं, वो स्मॉलर चेन के भी हो सकते हैं। तो इसलिए सिर्फ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का कहा गया, ये नहीं बताया गया कि लार्जर चेन है या। तो गाइज, अब हम बात करते हैं क्रैकिंग की सेकेंड टाइप की, दैट इज कैटालिटिक क्रैकिंग। गाइज, कैटालिटिक क्रैकिंग की जो डेफिनेशन है वो थ्री लाइंस में बुक में लिखी हुई है, वो तो आप एज इट इज़ डेफिनेशन याद कर लेंगे कि ये एक ऐसी क्रैकिंग की टाइप है जिसके अंदर कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है, और इसका टेम्परेचर भी दिया गया 500 डिग्रीज, और इसका प्रेशर भी 2 एटमॉस्फेरिक दिया गया है। तो जो दो लाइंस की डेफिनेशन अगर शॉर्ट में आता है तो आप बुक वाला ही याद करेंगे, लेकिन मैं यहाँ बुलेट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है ताकि अगर एज अ मल्टीपल चॉइस आए तो वो भी आपको आता हो। तो यहाँ पर देखें गाइस, कैटालिटिक क्रैकिंग वो क्रैकिंग है जिसके अंदर हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स में ब्रेक करवाते हैं यूजिंग ए सूटेबल कैटलिस्ट। यहाँ फ्यूज्ड मिक्सचर ऑफ सिलिका, मतलब रेत जो होती है, सैंड जो होती है उसका, और एलुमिना का यूज़ किया जाता है। और ये वाली बात एज ए मल्टीपल चॉइस आ सकती है आपको, तो अच्छी तरह आपने इसको करना है कि कैटालिटिक क्रैकिंग के अंदर जो कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है वो कौन सा है। सेकेंडली, अगर आप टेम्परेचर की बात करें तो 500 डिग्रीज टेम्परेचर होता है, दैट्स अनदर MCQ। अगर आप प्रेशर की बात करें तो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, दैट इज़ अनदर MCQ। और उसके बाद आप बात करते हैं इसकी प्रोडक्ट्स की, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस बनता है जो कि गैसोलीन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस है गैसोलीन वाला, इसको ज़रा अच्छी तरह करिएगा। ये कल को MDCAT ECAT के पेपर में भी आ जाता होता है, तो इसको ज़रा अच्छी तरह से करें। तो जो, हाँ जी, हाँ वो पूछ सकता है कि ये वाली प्रोडक्ट किस क्रैकिंग के टाइप में बनती है। अच्छा जी, तो ये दो टाइप्स होगी इसकी। अब हम बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की, दैट इज स्टीम क्रैकिंग। गाइस, इसके नाम से ही जाहिर है, डेफिनेशन तो आप डेफिनेटली वही करेंगे जो बुक में लिखी हुई है 2-2.5 लाइंस की। तो लेकिन अगर इसमें से MCQs आए तो इसका टेम्परेचर पूछ लिया जाता है,
जी 900 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब इसमें करते क्या है कि हायर हाइड्रोकार्बन्स को स्टीम के साथ थोड़े से अरसे के लिए मिक्स करते हैं जिसका टेम्परेचर एट मिनिमम 900 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो ये क्रैक कर जाता है लोअर हाइड्रोकार्बन्स में और इसकी जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं वो लोअर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब लोअर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या, या तो दो कार्बन वाला कंपाउंड हो जिसको हम इथीन बोलते हैं, या फिर तीन कार्बन वाला कंपाउंड हो जिसको हम प्रोपीन बोलते हैं। उल्टे हाथ से लिख रहा हूँ तो राइटिंग इतनी ही खूबसूरत आएगी। तो ये प्रोपीन और इथीन ये लोअर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं। तो बाकी इसके अंदर प्रेशर का रोल नहीं है, नॉर्मल प्रेशर पे ही ये वाला एक्सपेरिमेंट किया जाता है, इस तरह की जो क्रैकिंग है। तो गाइज हम क्रैकिंग का टॉपिक यहाँ कंप्लीट कर चुके हुए हैं, आई स्टॉप द वीडियो हेयर। अब ऐसा है कि आप लोग जो है जिन्होंने पहली दफ़ा देखा सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और इससे आने वाले वीडियोज़ के लिए आप कनेक्टेड रहें चैनल के साथ डेली बेसिस पे, या एक आधे दिन के गैप के साथ आपको वीडियोज़ मिलती चली जाएंगी। क्योंकि अभी फर्स्ट ईयर की क्लासेस प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हुई, तो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे भी चीखेंगे कि सर हमारे लेक्चर्स, तो बीच में फिर उनके लेक्चर्स भी आएंगे। तो आप कनेक्टेड रहें चैनल के साथ, आपके भी जो है ना लेक्चर्स के साथ ही आते रहेंगे। बाकी मुझे इजाज़त है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।